आने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा होजा भी आश्रम पहुंची और उन्होंने जल्द से जल्द FIR दर्ज करने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा। शोभा ओझा ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से संरक्षण है तभी ऐसे दरिंदे समाज में है। हालांकि मुखबिर के इंटरप्रेटर ने इस पूरे मामले को उजागर किया। इसके पहले भी होशंगाबाद में भी एमपी अवस्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, कलेक्टर से शिकायत की गई थी, इंटरप्रेटर ने शिकायत की थी लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। फरवरी 2017 में शिकायत की गई थी यौन शोषण के मामले को लेकर लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। तो शासन प्रशासन पर भी यहां सवाल उठता है और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा मामला सामने आया था। लेकिन सवाल उठता है कि हर राज्य में ये जो ऐसी घटनाएं घट रही है तो क्या सरकार नाकाम है? क्यों नहीं कदम उठाया जाता है? प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया? क्या प्रशासन ऐसे दरिंदों को संरक्षण देती है? तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब पूछताछ के लिए ले गई है हिरासत में, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्यों ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, अब तक क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि शिकायत तो पहले भी की गई थी? जी हाँ, इसमें थोड़ा ढीला रवैया प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है प्रशासन का। जो अभी तक कहा जाए तो इस मामले में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। महिलाएं जो है पहले भी कई बार जो है मामला दर्ज करवाने के लिए कई लोगों के पास जा चुकी हैं, इसकी शिकायत कर चुकी है। यहाँ तक कि होशंगाबाद कलेक्टर के से भी इसकी शिकायत की गई थी लेकिन जो है इसमें कहीं कुछ सामने नहीं आ पाया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अब जब विपक्ष के द्वारा इस मामले को उठाया गया तो इसने मामले में तुल पकड़ा और कहीं ना कहीं जाकर के अब जाकर के थोड़ी कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है लेकिन अभी सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि अभी तक इसमें कहीं भी कोई मामला दर्ज नहीं है। अगर मामला दर्ज होता है तो होशंग इसमें सुनने में आया है कि अभी जानकारी मिल रही है कि टीजनगर थाने में इस मामले में